बस्मिल्म सामकम ममिन कराम उम्मीद है आप सब खैर ऑफियर से होंगे एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा शेयर की जा रही है जिसने ममिनिन के दिलों को रंजीदा किया है कि एक ज़ाकिर साहब गालबन गुजरा वाला के किसी इलाके में जशन पढ़ रहे हैं और जशन के दौरान शुरान ने उन पर कोई पैसे निछावर किए जैसा कि पंजाब का कल्चर है कि वह वेल की शक्ल में पैसे दिए जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद एक छोटे बच्चे ने सौ रुपये का नोट उठा लिया जिस पर झाकिर साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा मुझे तुम यजीद ही लगे हो यजीद ही लगे तुम मैं तो और उसकी बच्चे की तजलील करके उसको जशन से बाहर निकाल दिया वाकन ये अमल काबिल मजम्मत है इसकी मजम्मत होनी चाहिए कि सिर्फ सौ रुपए की खातिर यानी उसकी कोई अहमियत नहीं है आप अपना मनसब देखें और आप बात क्या कर रहे हैं कि सौ रुपए की खातिर आपने एक बच्चे को यजीद कह दिया यजीद से तशबी दे दी कातिल इमाम हुसैन आसम के साथ मिला दिया हमारे नज़दीक तो इससे बढ़कर और गाली ही कोई नहीं है लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर है और आपने एक बच्चे को कह दिया सिर्फ इसलिए उसने सौ रुपये उठा और अगर उसने कोई गलत हरकत की भी थी तो उसको किसी और तरीके से समझाया जा सकता था अच्छे तरीके से समझाया जा सकता था इस तरह नहीं कि आप उसको तजलील करके सबके सामने और उसको जशन से निकाल दें सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है इन पर और तनकीद होनी भी चाहिए लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मामला अब सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही नहीं रहा यह तनकीद सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रही बल्कि गुज्त रोज थाना गुजरावाला में जाकिर मुंतजर मेहदी साहब के ख़िलाफ़ मुकदमे की दरख्वास्त एक मोमिन की जानब से दे दी गई है और उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताता हूँ स्क्रीन पर आप मुकदमे की दरखास्त देख रहे होंगे दरख्वास्त में क्या लिखा है इसका खुलासा मैं आपको बता देता हूँ दरखास्त में लिखा गया कि जनाब अली मैंने सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखा जिसमें एक गुस्ताख शिया मुंतजर मेहजी आगे जो अल्फाज लिखे हैं उनको मैं नहीं पढ़ रहा कुछ नामनासिब अल्फाज हैं नाजरीन की तरफ से इस पर फेंके गए पैसों में से एक सौ रुपए का नोट छोटे से मोमिन बच्चे ने उठा लिया जिस पर अल्ज़ाम जकर मुंतजर मेहदी ने मिंबर पाक की तोहीन करते हुए इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते मोमिन बच्चे को कोलीज से तशबीद दी और इसी तरह जुबान दराजी और बकवास करते हुए इस मोमिन बच्चे को जशन के प्रोग्राम से और इमाम बारगा से बाहर निकाल दिया जिसकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जो कि मेरे अलावा इस वक्त मेरे पास मौजूद दीगर लोगों ने भी देखी शिया जाकिर ने गलीज़ जुबान इस्तेमाल करके ना सिर्फ साइल की दिलाजारी की बल्कि इस गलीज खेल से पाकिस्तान में बसने वाले करोड़ों शिया और दूसरे मसल के मुसलमानों की दिलाजारी हुई है बच्चे को यजीद से तशबी और बसबानी करते हुए प्रोग्राम से निकाल कर मिशन ए मोहम्मद वाले मोहम्मद और मम्बर पाक की तोहन का मरतकब हुआ है बस जुबान जाहिल झकिर के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए इसे गिरफ्तार किया जाए करार सजा दिलाई जाए ताकि आइंदा गुस्ताखी की ऐसी कोई हरकत ना कर सके ये वो दरख्वास्त थी जो कि किसी की तरफ से दी गई अब बात यह है कि इसीलिए कहा जाता है कि साहिबान मेंबर को जिम्मेदाराना गुफ्तु करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए हर हवाले से ऐसी गुफ्तगु से ऐसे अमल से परहेज करना चाहिए जिससे लोगों की दिल आजारी हो क्योंकि जब आप कोई ऐसी बात करते हैं तो फिर लोगों का भी आगे से रवैया क्या होगा इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता और एक और अहम बात कि जिसकी तरफ तवज्जो बहुत कम लोगों की है और उस तरफ तवज्जो होनी चाहिए शख्सियात में नहीं हमें पढ़ना चाहिए ज़रूरत इस बात की है कि ये जो वेल का कल्चर महाफिल में और मज़ालिस में आ गया है ये ख़त्म होना चाहिए यानी ये कोई शादी और ब्याह नहीं है कि जहाँ पर अपनी मर्जी से ऐसी हरकें की जाए ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र है यहाँ पर अदब को मलहूज खातिर रखना चाहिए सारे मसाइल यहाँ पर उस वक्त से शुरू हुए हैं कि जब यहाँ पर कल्चर गालिब आ गया है और मासूम इनकी तलीमत उनकी सीरत को लोगों ने पसे पुष्ट डाल दिया है यानी यहाँ पर तो इस अंदाज से महाफिल और मजालस करवाई जाती है जिनका अहल बैच से दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं कहीं पर इमाम बारगाहों में ढोल तबले हारमोनीय और इस तरह म्यूजिकल प्रोग्राम करवाए जाते हैं कहीं पर जुलझना से केक कटवाए जाते हैं कहीं पर इस तरह की जो वलीमे के प्रोग्राम आ उस पर भी हमने वीडियो की थी बायदा पहले से होती है फिर गाड़ियों की शक्ल में बारात जाती है और यह सारे मामला किए जाते हैं इन सारी चीजों का त की तालीमत से उनकी सीरत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इसीलिए ये सारे मसाइल हमें देखने को मिल रहे हैं जो सोशल मीडिया पर आप सबके सामने हैं जब तक इन कल्चरल चीज़ों से निकल कर मकसद अहल बैत की तरफ नहीं आया जाएगा तब तक ये मसाइल रहेंगे हमें चाहिए कि अहल बैत का जिक्र उस अंदाज से किया जाए कि जैसा अहल बैत हमसे चाहते हैं अल्लाह ताली हम सबको हिदायत नसीब फरमाए और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तोफ़ी नायत फरमाए आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा मुझे तो हम याद रखिएगा असल वरहत